सेवा संगठन द्वारा जीआरपी थाना प्रभारी को दिया गया ज्ञापन। ज्ञापन में गाड़ी संख्या 51608 एवं 51609 को 28 फरवरी तक बंद किया गया है। इसके विरोध में रेल अधिकारियों का पुतला दहन रेलवे स्टेशन पर किया जाएगा। वहीं संगठन ने बताया कि इस गाड़ी के बंद हो जाने से रोज अप डाउन करने वाले कर्मचारी छात्र भारी परेशानी में हैं, क्योंकि उनका एकमात्र साधन यही था जो अब बंद है। वहीं कई बार रेल अधिकारियों को निवेदन करने के बाद भी उनके द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया। इसके बाद रेलवे प्रशासन के अधिकारियों का पुतला दहन करने की अनुमति को लेकर आज यात्री सेवा संगठन DRP थाने पहुंचा। थाना प्रभारी का कहना है कि वह इसके लिए अधिकृत नहीं है, उन्हें इसकी परमिशन स्टेशन मास्टर से लेनी पड़ेगी। आप पहले अपना इस तारीख को मैं ये करना चाहता हूँ। वही लिखा है। तो आप हल्ला मचाते क्यों आ रहे हो यार? ये तो हमें अपना रोष रेलवे को बता रहे हैं, आपको थोड़ी बता रहे हैं। तो आप थाने के सामने क्यों आए भाई? थाने के सामने सुरक्षा वाले हम तो आपको बंद कर देंगे जब तक आप बिना अनुमति के आए। ये तो हम अपना लगा के लगाते हुए आए और आप खुद लगाओ आप स्टेशन, लेकिन परंतु बिना अनुमति के भी आप आए, आपके ऊपर धारा दूसरी लग जाएगी। आप अभी आप गलत है, आप कानून अधिकृत नहीं है आप इसके लिए। चलिए अब नहीं आप ये देखो जहाँ आचार्य की कानूनी प्रक्रिया में दोस्ती एक तरफ हो जाती है। नहीं, वो बिल्कुल आपका कहना सही है, कानूनी प्रक्रिया में आप गलत कर रहे हो। ये तो हमारा रोष है जो हम बता रहे हैं। रोष खुद करो, ये शासन प्रशासन के लिए करी रहा, दुनिया करती है, ये तो हम नहीं कर रहे। आपके इधर हमारा रोष नहीं है, आपसे तो हम अनुमति ले रहे हैं। आदरणीय अनुमति कागज में आप GRP हमारी है, RPF है और आप स्टेशन मास्टर को दो, ये ADN साहब हमारे, ये जो अधिकृत अधिकारी है, हम तो सुरक्षा वाले हम लोग, आपको सुरक्षा के लिए तो ये दी जा रही है कि हम ऐसा करना चाहते हैं, प्रांगण आपके उसमें ही आ रहा है या मेरे वो देखो। जब आप ये देखिए, हमारे यहाँ एक इंटेलिजेंस विभाग है, आप नहीं जानते होगे, बंदा घूमता रहता है।